नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। जेरेमी लालरिन नुंगा ने भारत को यूथ ओलंपिक के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। खेल मंत्री ने जेरेमी को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। पैरा एशियन गेम्स में भारत को मिले दो और स्वर्ण पदक। एकता भ्यान ने महिलाओं के क्लब थ्रो इवेंट में जीता स्वर्ण। वहीं मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सोने पर लगाया निशाना। और सेनेगल करेगा 2022 में होने वाले चौथे यूथ ओलंपिक खेलों की मेजबानी। पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में होगा यूथ ओलंपिक का आयोजन। खबर विस्तार से। अर्जेंटीना में चल रहे यूथ ओलंपिक गेम्स में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में मिला, जहां भारोत्तोलक जेरेमी लालरिन नुंगा ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यूथ ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले युवा भारोत्तोलक जेरेमी लालरिन नुंगा को खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बधाई दी। अपने बधाई संदेश में खेल मंत्री ने कहा, हमारे 15 साल के भारोत्तोलक जेरेमी लालरिन नुंगा ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन कर ब्यूनस आयर्स 2018 में पुरूषों के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यूथ ओलंपिक खेलों में भारत के अभी तक के पहले स्वर्ण के लिए आपको बधाई। और जेरेमी की उस उपलब्धि पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार रणवीर सिंह। स्वागत है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया। जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पिछले काफी समय से वो देश का जो सर है वो ऊंचा करते आ रहे हैं, और यूथ ओलंपिक में भी एक बार हमें देखने को मिला है कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं और आपके आने वाले भविष्य के अच्छे संकेत मिलते हैं अगर यूथ ओलंपिक में आपके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो कैसे देखते हैं जेरेमी की उपलब्धि को? देखिए, जेरेमी ने जिस तरह से अभी 15 साल के हैं और इतिहास बनाया, पहला गोल्ड मेडल है यूथ ओलंपिक्स गेम्स में भारत के लिए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम से आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट पर भारत सरकार का सारा फोकस है स्पोर्ट्स को लेकर के। मणिपुर में जिस तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, मणिपुर के और तमाम खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, तो जब वो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बन जाएगी तो आप समझिए देश का भविष्य सारा स्पोर्ट्स की। जहां तक बात है तो मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा इन स्टेट से आएगा। बिल्कुल। और इन खेलों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यहां पर जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले कम से कम 10 साल में वो ओलंपिक में और बाकी बड़े खेल आयोजनों में आपके लिए पदक की उम्मीद बन सकते हैं। आप देखिए, यूथ ओलंपिक गेम्स में जिस तरह से 15 साल का ये लड़का है और जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन किया है, तो आने वाले 15-20 साल जो है कहीं नहीं गए, और ये आगे और बड़ी उपलब्धियां हिन्दुस्तान को दिलवाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से खेलो इंडिया कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है टैलेंट को जल्दी टैप करना, क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी देशों के जो खिलाड़ी हैं वो काफी कम उम्र से ही अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, काफी कम उम्र से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिल जाता है, इसकी हमें देश में जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस पूरा खेलों पर है, और जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक चैंपियन खिलाड़ी को अपना खेल मंत्री बनाया है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को ये मालूम है कि खिलाड़ी की क्या जरूरतें होती हैं, कहां उसको पैसे की जरूरत है, कहां उसको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो कह रहे हैं मैं हर खिलाड़ी के पीछे खड़ा हुआ हूं, आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए, बाकी सब हम देखेंगे। तो जब एक चैंपियन खिलाड़ी खेल मंत्री है तो तमाम युवा खिलाड़ियों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो उस तरह के रिजल्ट भी दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो यूथ ओलंपिक में तो भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं एशियाई पैरा खेलों में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारत की एकता भ्यान ने महिलाओं के क्लब थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। एकता ने 16.02 मीटर की दूरी तक थ्रो किया। ये भारत का इन खेलों में चौथा स्वर्ण पदक रहा। 2003 में एकता एक दुर्घटना का शिकार बनी थी जिसमें उनका कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था। हालांकि अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट अमित सरोहा के आग्रह पर उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। एकता एशिया में क्लब थ्रो में नंबर एक खिलाड़ी है। मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। मनीष ने इस जीत के दौरान एशियाई पैरा खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया।
एशियन पैरा गेम्स में भारतीय तैराक सुयश जाधव ने 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सुयश ने पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल S7 तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में रक्षिता राजू ने महिलाओं की 1500 मीटर में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जैवलिन थ्रोअर संदीप चौधरी को उनकी स्वर्णिम सफलता के लिए ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। अपने बधाई संदेश में खेल मंत्री ने कहा, शाबाश संदीप चौधरी, आपको एशियन पैरा गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में 60.01 के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई, आप पर गर्व है चैंपियन। तो पैरा गेम्स में भी हमारे खिलाड़ी खासा प्रभावित कर रहे हैं और जैसे कि हमें देखने को मिला था खेल रत्न के लिए भी जब पैरा खिलाड़ियों का चयन किया गया तो उससे लगता है कि इन्हें काफी जोश आया है इन खिलाड़ियों के अंदर। देखिए शारीरिक क्षमताओं से पार पाते हुए जूझते हुए जिस तरह से हमारे तमाम खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पर एशियन गेम्स में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में लाजवाब है और जब इस तरह के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और तो देशवासियों को अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल, और मेहनत उनको और लोगों से ज्यादा करनी पड़ती है जी, और उनका जो सफर होता है पदक जीतने तक का वो भी अलग होता है क्योंकि जैसा हमने देखा एकता के केस में भी कि जब आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो इंसान बहुत सारी चीजों से लड़ रहा होता है, ऐसे में एक आम जिंदगी जीना और उसके बाद भी किसी खेल को सीखना और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेलना, उसके लिए काफी मनोबल की जरूरत होती है। और एकता एशियाई चैंपियन भी है तो उस तरह का प्रदर्शन उसे अपेक्षा भी थी और उस पर वो पूरी खरी उतरी है। बिल्कुल, और यहाँ पर परिवार का समर्थन भी काफी जरूरी होता है क्योंकि हमने देखा है कि जिनमें जन्मजात विकार होता है या बाय चांस कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो जो माँ बाप होते हैं या परिवार के लोग होते हैं वो ही उससे काफी हतोत्साहित हो जाते हैं, तो शायद जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे कि आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता भगवान बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार ही नहीं उन जो भी खिलाड़ी हैं उनके जो दोस्त होते हैं, जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं, कोचेज हैं, और लोगों से ज्यादा कोचों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोच को भी लगता है अगर मेरा ये ट्रेनी इतनी अक्षमताओं के बाद भी अगर अच्छा कर रहा है तो कोच भी दुगने मन से उसके लिए काम करता है, उसको ट्रेनिंग में सहायता करता है। बिल्कुल, और जिस तरह से सेम वेन्यूज इन्हें मिलते हैं चाहे पैरालंपिक्स की बात हो या पैरा एशियन गेम्स की बात हो, अब मीडिया कवरेज भी मिल रही है, सरकार का फोकस भी रहता है, तो उससे हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इसमें भी स्पर्धाएं और बढ़ेंगी और भारत के भी और खिलाड़ी हमें इन स्पर्धाओं में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जब एक खिलाड़ी कोई मेडल लेकर के आता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो उस खेल के या दूसरे खेल के जो दूसरे खिलाड़ी वो कहते हैं इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, जैसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में जब सिल्वर मेडल जीता तो उसके बाद से शूटिंग में झड़ी लग गई, पिछले ओलंपिक गेम्स को छोड़ दें वरना लगातार 3 ओलंपिक्स में जिस तरह के मेडल्स आते रहे तो वो एक बड़ी उपलब्धि है और कोई खिलाड़ी आइकन होता तो दूसरे उसको देख के आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं और उस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल, और लोगों के बीच भी अवेयरनेस बढ़ेगी क्योंकि अभी जो इनकी कैटेगरीज होती हैं वो भी एक तरह की न्यूज है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कितनी तरह की कैटेगरीज हैं, किस तरह का वहां पर फील्ड रहता है कि मेडल जीता वो तो पता है लेकिन वहां पर भी पैरा एशियन गेम्स में भी या पैरालंपिक में भी कितना टफ कॉम्पिटिशन है इसकी जानकारी कम लोगों को लेकर के, जो खिलाड़ी जितना ज्यादा है उसकी कैटेगरी अलग होती है, जो उससे थोड़ा कम है उसकी अलग होती है, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं लेकिन आप अपनी कैटेगरी में आपको कम्पीट करना है और वहां अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ी बात तो है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसी तरह भारतीय खिलाड़ियों का जो शानदार प्रदर्शन है वो जारी रहे। बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, 2022 में होने वाले चौथे यूथ ओलंपिक खेलों की मेजबानी सेनेगल करेगा, ये पहला मौका होगा जब यूथ ओलंपिक अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित किए जाएंगे। सेनेगल के 3 शहर 2022 में चौथे यूथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सोमवार को सेनेगल को इन खेलों की मेजबानी सौंपी। ब्यूनस आयरिस में आयोजित IOC के सत्र में सदस्यों ने हाथ उठाकर मेजबान देश का चुनाव किया। ये पहला मौका होगा जब यूथ ओलंपिक गेम्स अफ्रीका में आयोजित किए जाएंगे। मेजबानी की दौड़ में अफ्रीका के 4 देश बोत्सवाना, नाइजीरिया, ट्यूनिशिया और सेनेगल शामिल थे। सेनेगल के राष्ट्रपति IOC के इस ऐतिहासिक फैसले का गवाह बनने के लिए ब्यूनस आयरिस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये उनके देश के लिए सम्मान की बात है। आपका फैसला ओलंपिक के इतिहास में एक नया कदम है, ये हमारे देश और हमारे महाद्वीप के लिए सम्मान की बात है।
मैं बोत्सवाना, नाइजीरिया और ट्यूनिशिया को भी बधाई देना चाहता हूं। पूरा अफ्रीका 2022 में युवा खिलाड़ियों का बाहें फैलाकर स्वागत करेगा। 2022 के यूथ ओलंपिक खेलों के दौरान स्पर्धाएं 3 शहरों में आयोजित की जाएंगी। इनमें राजधानी डकार, डिमेडियो और सैली शामिल हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे यूथ ओलंपिक के आयोजन की, अब अफ्रीका में अगले जो यूथ ओलंपिक हैं वो आयोजित होंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि खेलों का विस्तार हो रहा है। और बाकी हम अगर भारतीय खिलाड़ियों की भी बात करें तो इस बार के प्रदर्शन से आगे हम 2 कदम और आगे जाना चाहेंगे जब अफ्रीका में खेल आयोजित होंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह का प्रदर्शन हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों ने दिया है तो आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। और अभी एशियन गेम्स खत्म हुए हैं, एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बार रहा है जी, काबिले तारीफ है, लाजवाब है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कम से कम एथलेटिक्स में हम लोग थोड़ा पिछड़ते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा हो, हिमा दास हो, दूसरे तमाम खिलाड़ी हैं जो थोड़ा बहुत पीछे रह गए, सिल्वर मेडल रहे, तो मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में वो सिल्वर गोल्ड मेडल में भी तब्दील होंगे और हिन्दुस्तान एक दिन बराबर कंपीट कर पाएगा दूसरे देशों के। और जो 2022 के यूथ ओलंपिक होंगे तब तक हम उम्मीद करें कि खेलो इंडिया के भी जो परिणाम है वो तब तक देखने बहुत शानदार परिणाम है। खेलो इंडिया का ही रिजल्ट है कि वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिंगथोंगा ने जिस तरह से आज गोल्ड मेडल जीता है और तमाम खिलाड़ी जो मेडल ला रहे हैं वो सब खेलो इंडिया से ही निकल करके आ रहे हैं। और अभी इनकी उम्र कुछ नहीं है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, तो ये आने वाले 10-15 साल जो है भारत को अच्छा नाम देने वाले हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह शानदार प्रदर्शन जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और खेल समाचार में हम यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए खेल समाचार। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए आइए, पर जूते चप्पल यही उतार दी। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते आले, क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्चे को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। अरे हो गया क्या भाई? 2 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट टिकला, 2:30 बजे की मीटिंग, पहले ये तो हो जाए। अरे भाई हो गया क्या? क्या कर दिया गाड़ी को। सर योर कार इज फिक्स्ड। थैंक यू। जानी बचा लिया आपने। दैट्स ओके सर, इट्स माय जॉब। काम कितना ही मुश्किल हो संभाली लेती है, ये है नए भारत की नई बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दीदी, 5वें महीने में भी ये फुर्ती? मेरी हिम्मत तो 3रे महीने में। कमी हिम्मत में नहीं, खून में हो सकती है। आज बच्चे और तुझ पर कहीं बुरा असर ना हो, आज ही जांच करा ले। गर्भावस्था में अक्सर अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी हो सकती है। अनीमिया से बचाव के लिए हर गर्भवती महिला को गर्भ के 4थे महीने से बच्चे के 6 महीने के होने तक रोज आयरन की लाल गोली पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद लेनी चाहिए।
ये गोलियाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ANM और आशा दीदी के पास मुफ्त मिलती है। ये देखो दीदी एकदम फिट। अरे वाह, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास, आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगट की गैर मौजूदगी के बीच भारत का कुश्ती दल मंगलवार को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हंगरी रवाना हुआ। भारतीय दल को इस प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। प्रतियोगिता 20 अक्टूबर से शुरू होगी। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे धुरंधर पहलवानों की अगुवाई में भारत का 30 सदस्यीय कुश्ती दल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स मिले अनुभवों के आधार पर और ट्रेनिंग कैंप्स में अपनी पुरानी खामियों को दूर कर ये दल हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने जा रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में छा जाना चाहता है। फिर चाहे खिलाड़ी हो या कोच, हर किसी की जुबा पर बस यही बात है कि इस बार उनका प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर रहेगा। एशियन गेम्स में जिस कमियों से हम मेडल से चूक गए थे, बिल्कुल हमने उस पर ट्रेनिंग की है और इस बार हम कोशिश करेंगे कि वो कमियां हमारी ना हो दोबारा से और हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो देश को मेडल दिला सके। तो और सालों की अपेक्षा अब की बार बहुत ज्यादा मेडल जीत के लेकर आएंगे। तैयारी, टेक्निक, टैक्टिक्स के ऊपर हमने काम किया है और लखनऊ के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उसके दौरान हमने तैयारियां किया है और अभी बुदापेस्ट में 22 से 28 तारीख तक जो कंपटीशन हो रहा है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आए। पुरुष वर्ग में जहां उम्मीदों का भार बजरंग पूनिया पर है, तो वहीं ग्रीको रोमन शैली में भी दल इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। दल के मुताबिक जिस तरह से जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इस बार ग्रीको रोमन में भी पदक बरसे, ऐसे में सीनियर स्तर पर भी अच्छे खासे पदक आ सकते हैं। सीनियर में गुरप्रीत है, वो लड़का ही सर बहुत अच्छा, इसमें एशियन गेम्स में भी ईरान के साथ उसकी बहुत टफ कुश्ती हुई थी, ऐसे सर अभी मेडल जी जान से देंगे इंडिया को। टीम के साथ फिजियो की भी टीम है, जिनके मुताबिक विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे सभी पहलवान पूरी तरह से फिट हैं। ये लोग काफी ट्रैवल करते रहते हैं, ऑलरेडी दे आर स्ट्रांग एनफ। वो अपने आप को इस तरीके से ढाल चुके हैं और इनकी फिटनेस लेवल इस वक्त बहुत अच्छी है। भारतीय कुश्ती संघ ने फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती वर्ग से 10-10 पहलवानों का चयन किया है। अच्छी बात ये है कि प्रतियोगिता से पहले हंगरी में ही टीम का शिविर भी लगेगा, ताकि पहलवानों को बाहरी परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने का अच्छा मौका मिले। ओलंपिक के बाद विश्व चैंपियनशिप का अपना रुतबा होता है और यहाँ जीत ओलंपिक के पदक के बराबर समझी जाती है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। कुश्ती जगत में अपने बेहतरीन दांव और लगातार अच्छे प्रदर्शन के बल पर बेहद कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली महिला पहलवान पूजा ढांडा को भरोसा है कि वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने में जरूर कामयाब होंगी। पूजा मानती हैं कि विनेश फोगाट की गैर मौजूदगी में साथी पहलवानों पर पदक जीतने की जिम्मेदारी ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पूजा ढांडा अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में कुछ कमी रह गई, मेडल से चूक गई, लेकिन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप। जी बिल्कुल, देखिए एशियन गेम्स में जिस कमियों से हम मेडल से चूक गए थे, बिल्कुल हमने उस पर ट्रेनिंग की है और इस बार हम कोशिश करेंगे कि वो कमियां हमारी ना हो दोबारा से और हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो देश को मेडल दिला सके। वर्ल्ड लेवल की जब प्रतियोगिता आती है तो उसमें कौन से ऐसे देश होते हैं जिनके खिलाफ खास रणनीति के साथ ही उतरना पड़ता है? देखिए, जो चाइना, जापान, मंगोलिया, कजाक, ये एशियन गेम्स में भी अच्छे हैं और ये वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छे हैं। उसके साथ साथ जैसे यूएसए हो गया, यूएसए में हेलन मारुलस है, ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो हमें अच्छे दावेदार नजर आती हैं और हमने इनके साथ हमने खेला भी है, हमने इनको हराया भी है, हम इनके साथ ट्रेनिंग भी करके आए हैं, तो ऐसा कोई भी चिंता की कोई भी बात नहीं है कि हम किसी से कम है या फिर हमारे पास कोई फैसिलिटी कम है या ऐसा कुछ। हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, टीम पूरी तरह से तैयार है।
खास तौर से अगर विदेशी पहलवानों में जापान के पहलवानों की बात करें तो वो काफी स्टैमिना वाइज और एनर्जी वाइज वो काफी कहीं ना कहीं हमसे आगे निकलते हैं, तो उनकी इस चीज का तोड़ ढूंढ पाने में कहां तक आप अपने आप को सक्षम मान रहे हैं? देखिए, हम जहां तक हो सके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चाहे स्ट्रेंथ में हो चाहे स्टेमिना में हो। तो इस वक्त हमने भी काफी अच्छा जो है वो ट्रेनिंग किया है और हम कोशिश करेंगे कि इस बार उनको हराएं और देश के लिए मेडल लाएं। किन चीजों पर सबसे ज्यादा वर्कआउट किया है आपने? देखिए, एशियन गेम्स में जो है वो डिफेंस पे हमारा जो है वीक पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से ब्रॉन्ज मेडल का बाउट जो है वो मुझसे रह गया और मैंने उसमें लूज किया, तो उसी पे मैंने ज्यादा वर्क किया है कि हम डिफेंस में अपना ज्यादा से ज्यादा मजबूती पेश करें और उसी के साथ जो अटैकिंग पावर जो मेरी है उसको मैंने और मजबूत करने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से कोई भी जब मैं अटैक करूं तो बच ना पाए और ज्यादा से ज्यादा मैं पॉइंट स्कोर कर सकूं। एशियन गेम्स के बाद आपका बेलारूस में भी ट्रेनिंग कैंप लगा था, तो उस दरमियान आपने किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा वर्कआउट किया? देखिए, जो बेलारूस की लड़कियां हैं वो फिजिकली काफी स्ट्रांग होती है और उनका जो डिफेंस टेक्निक है वो काफी अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ पावर ट्रेनिंग जो है उनकी काफी अच्छी रहती है, तो उन्हीं के लिए हम वहां गए थे बेलारूस में। हमने उनके साथ ट्रेनिंग की, उनका स्ट्रेंथ शेड्यूल देखा और उनके साथ ट्रेनिंग की, तो बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट महसूस हुई, वहां जाने का हमें बहुत फायदा मिलेगा। आप पहली बार एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया था, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आपकी पहली है, तो कुछ एक प्रेशर माउंट हो रहा है? नहीं, देखिए, ना ही तो प्रेशर एशियन गेम्स में था और ना ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में है। हमने अपनी प्रिपरेशन की है और उसी को हमें मैट पे लेके जाना है। उसके अलावा कोई भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर या किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, हम अपना बेस्ट देंगे वहां पे और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। तो ये थी पूजा ढांडा जो कि कह रही हैं कि उनका जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है और वो उन तमाम तकनीकों पर काम कर रही हैं जो पिछले गेम्स में, कहना चाहिए एशियन गेम्स में, उनकी हार की प्रमुख वजह थी। कैमरामैन मोहित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं वनडे रैंकिंग्स की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सोमवार को जारी आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग्स में शीर्ष पर बरकरार है। कोहली 884 अंक के साथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर भारत को एशिया कप का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा 842 अंक के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन 802 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह 797 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे पायदान पर अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान हैं। चाइनामैन कुलदीप यादव 700 पॉइंट के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। पहला अक्षर अरट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादे तो वह से हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले।
दादी दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको, ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं, ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है, परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। के बाद स्वागत है। यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिए जाने वाले बलों डी ओर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। रोनाल्डो ने कुल 5 बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है। रोनाल्डो के अलावा शुरुआती 15 नामित खिलाड़ियों में रियल मैड्रिड और वेल्स के स्ट्राइकर गैरेथ बेल और मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर केविन डी ब्रायन के नाम भी शामिल हैं। रूस के नेशनल स्टूडेंट सॉकर लीग के खिलाड़ी नॉरिक अवदालिया ने कजान में अपनी टीम की 4-0 की जीत में अहम योगदान दिया। 22 वर्षीय नॉरिक कजान नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हैं। चुवाश स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ हुए मैच में नॉरिक ने 55वें मिनट में मिली पेनल्टी पर सॉमर सॉल्ट लगाते हुए शानदार गोल किया। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इंडियाना पोलिस में आयोजित रेड बुल एयर रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप की झलकियों के साथ, जहां अमेरिका के माइकल गोलियन ने जीत दर्ज की। ये इस सीजन में गोलियन की दूसरी जीत है। सीजन की फाइनल रेस 18 नवम्बर को टेक्सास में आयोजित होगी। नमस्कार।